जी काफी सिमिलर स्पेस है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज की, जो एक लीडिंग प्रोड्यूसर है सिंथेटिक रबर्स की। जिस तरीके से इसका प्राइस स्ट्रक्चर है वो भी काफी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है। पिछले 5 महीनों का अगर हम वीकली चार्ट देखें, वहां पर एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल फॉर्मेशन है जिसका बेस अभी काफी अच्छी तरह वेल एस्टेब्लिश्ड है, अराउंड 300-320 के आसपास। जिस तरीके से इसने एक रिबाउंड दिया था एक वीकली चार्ट पे हैमर फॉर्मेशन के बाद, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर ब्रॉड एक पेंडेंट फॉर्मेशन का यू नो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसका ब्रेकआउट लेवल है अराउंड 338 के आसपास का। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी बड़ी मूव अनलॉक होनी चाहिए अगले कुछ हफ्तों में। खरीदारी करनी है एप्कोटेक इंडस्ट्रीज में। पैटर्न के लिहाज से टारगेट यहाँ पर नजर आ रहा है लगभग अराउंड 410 का, तो लगभग यहाँ से 20-22% की अपसाइड यहाँ पर अनलॉक होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको काफी क्रिस्प मिल रहा है, जो ये बेस है इस पर्टिकुलर पैटर्न का वो लगभग अराउंड 320 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है 310 के आसपास आपको वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ये स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड खरीदारी करनी है एप्कोटेक इंडस्ट्री।